जी सर, हम मैडम से मिलने आए थे। मैडम से हमारी बहुत अच्छी मीटिंग हुई है और सभी बातों पे मैम भी एग्री है, हम भी एग्री है और आगे से सभी कुछ अच्छा चलेगा और भविष्य में ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। कौन से टोकन में की गाड़ी को लगाया जाएगा, कौन से कलर का टोकन लगाया जाएगा? लास्ट ईयर भी जैसे हमारी गाड़ी पर टोकन लगे थे, ब्लैक और येलो कलर के टोकन थे और वो यहीं से ऑफिस से इश्यू किए गए थे। आप मैडम की बात से संतुष्ट हो? जी जी भैया, मैडम की बात से बिल्कुल संतुष्ट हो। उन्होंने बहुत अच्छा सा हमसे कॉपरेट किया, हम भी उनसे कॉपरेट करके चलेंगे। और आप जैसे मैडम ने बताया गया कि 16-17 बच्चों के उसमें कार्रवाई करेगी, आप सही है इसमें? सेवन दी मैडम बिल्कुल, अगर अगर कोई क्षमता से अधिक बैठाता है तो कार्रवाई के लिए हम रेडी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसमें। ठीक है, आपका नाम? मुकेश पारिक। मीटिंग तो ये जो वैन चालक हैं इनमें मतलब स्कूल के जो बच्चे ले जाते हैं तो इन लोगों का एक था कि पहले 2017 में टोकन सिस्टम चलता था, उसके तहत क्या होता है कि टोकन सिस्टम में जो डॉक्यूमेंट्स जो इसेंशियल है उनकी लिस्ट होती है, उसकी फोटोकॉपी हम लोग रख लेते हैं और एक टोकन जारी करते हैं ट्रैफिक विभाग की तरफ से। वो टोकन ये अपनी गाड़ी के ऊपर व्हीकल पे लगा देंगे, येलो कलर का होगा, उस पर नंबरिंग होगी 1, 2, 3 इस तरह से। इससे क्या फ़ायदा होगा कि बार बार गाड़ी को रोका ना जाए। हमें पता है कि हमारी तरफ से इश्यू किया हुआ टोकन है तो हमें पता है कि इसके डॉक्यूमेंट्स है वो कंप्लीट है, तो उस गाड़ी को हम रोकेंगे नहीं, जिससे ना बच्चों का टाइम कंज्यूम होगा, ना इनका होगा, ना हमारा कंज्यूम होगा। ये आपसी अंडरस्टैंडिंग का मामला है और इससे एक अच्छी सुविधा रहेगी और जो बार बार एक चेकिंग वाला सिस्टम है वो हमारा बंद हो जाएगा। लगभग कितनी गाड़ियाँ मैडम? लगभग ये लोग 500-600 गाड़ियाँ बता रहे हैं, जिसमें पहले 350 गाड़ियों को इश्यू हो चुके हैं। तो जिनको इश्यू हो चुके हैं उनके डॉक्यूमेंट जो वापस नवीनीकरण के साथ हम उनको लेंगे, उनका नंबर है वो एज इट इज़ हम उनको अलर्ट कर देंगे। टोकन नहीं हुआ तो मैडम उसको टोकन नहीं हुआ तो पहले देखेंगे, कार्रवाई तो तब होगी जब पहले हम फिजिकली चेक करते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या है। डॉक्यूमेंट्स अगर उसके पास है तो नहीं, और नहीं होगी तो कार्रवाई करेंगे और उसको वो समझाइश करेंगे कि आप भी टोकन व्यवस्था के अंदर आए ताकि आपका ही समय बच रहा है, क्योंकि बार बार हमारा व्यक्ति भी उनको चेक करेगा, बार बार वो भी चेक कराएंगे तो बच्चों को प्रॉब्लम होगी, स्कूल आने जाने में लेट होता है क्योंकि डॉक्यूमेंट निकालना करना देना कम से कम 10-20 मिनट का प्रोसीजर होता है। दो दिन की हड़ताल में बच्चे बहुत परेशान हुए। हाँ, तो हड़ताल इन्होंने अपने इशू को लेकर की थी, इनके अपने इशू थे, हमारे अपने इशू थे। हम बच्चों की जान के साथ कोई खतरा है वो मोल नहीं लेना चाहते, हम बच्चों को सुरक्षित उनके माता पिता के घर से लेकर के स्कूल तक पहुंचाना तय करते हैं, इसीलिए हमने कार्रवाइयाँ की थी। कार्रवाइयाँ जनरल MV एक्ट में की गई थी और अभी भी जो इनके नॉर्म्स है जो इनकी है वो चीज़ें सब अपनी जगह सही है। अभी भी अगर बच्चों के साथ या हमारे जो नॉर्म्स है उनके अकॉर्डिंग अगर ये विपरीत चलते हैं तो अभी भी कार्रवाई जारी रहेगी। मैडम, इनको वैन वालों को कितने बच्चे लोग होते हैं गाड़ी? इनमें जो सुप्रीम कोर्ट का नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग जो अपने जनरल जितनी क्षमता है उसके 1.5 गुना सवारी हो इनको बिल्कुल लागू है, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं इसलिए 1.5 गुना, अगर 8 सीटर है तो 12 सवारी ले जा सकते हैं। हाँ, वो गलत है, इनको बताया गया, ये लोग भी सहमत है कि हम इस तरह से नहीं करेंगे, ज़्यादा बच्चे नहीं बिठाएंगे।